वेलकम बैक, वापस से आप सभी का स्वागत है मेरे सारे सारे दोस्तों। तो आपके संग हमारी चर्चा चल रही थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, लेकिन आज हम आए एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि है अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। माय फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। मैं बताने जा रहा हूं, जो बच्चे होते हैं इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, और ये टॉपिक इग्नोर करने वाला नहीं है मेरे बच्चे। मैंने एक बच्चे का क्वेश्चन आंसर शीट देखी थी, बड़ा होनहार बच्चा था, आई थिंक 2017 में मेरे पास पढ़ने आया था। वो बड़ा ही होनहार बच्चा था, 97 नंबर आए हैं उसके अकाउंट्स में, और वो बच्चा दो नंबर की जो गलती करके आया था, माई गॉड, वो इसी टॉपिक में करके आया था, एप्रोप्रिएशन अगेन प्रॉफिट और चार्ज अगेन प्रॉफिट में। तो मैं चाहता हूं ये आपके खून में उतर जाएंगे आज ये टॉपिक। आज ये वीडियो ढंग से देख ली ना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। एप्रोप्रिएशन इतना डीप जाके पढ़ाऊंगा कि कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए, मेरा बच्चा, मेरे सारे दोस्त ये क्वेश्चन झड़ाझड़ करके आएंगे। एक भी मेरा भाई ऐसा नहीं होगा जो इसका क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो मेरी बात मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एप्रोप्रिएशन और चार्ज का मतलब क्या होता है? ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। देखो, फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पार्टनर एंड अ पार्टनरशिप फर्म। देखो मेरे दोस्त, पार्टनरशिप फर्म अलग चीज है, उसके पार्टनर अलग चीज है। ये अपने दिमाग में एक डिफरेंशिएट बनाओ। असल में तुम क्या सोच रहे हो, वही ऑफिस है, उसके अंदर ही पार्टनर बैठे हैं, धंधे को वही चला रहे हैं। तुम्हारी बात 100% सही है, लेकिन हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें ये दिमाग में डालना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट एंड पार्टनर इज सेपरेट। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कल को जब तुम प्रैक्टिकली किसी अपने क्लाइंट की पार्टनरशिप फर्म बनाओगे, क्योंकि तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स के करियर में अगर अपना बिजनेस खोलोगे, अकाउंटेंट बनोगे, तो कल को तुम किसी क्लाइंट की पार्टनरशिप फर्म बनाओगे, तो तुम लोग को पता है पार्टनरशिप फर्म का एक सेपरेट पैन कार्ड होता है। अच्छा, पहले मुझे सारे कमेंट करके बताओ किन बच्चों का पैन कार्ड है, सारे मुझे बताओ। क्या कोई अभी भी नाबालिग है हमारी क्लासों के अंदर, तो जरा बताए। सर मैं नाबालिग हूं, तो जरा देखते हैं। तो मेरे बच्चे, सबका एक पैन कार्ड होता है, आपके पापा का भी एक पैन कार्ड होगा। तो आपको पता है जब पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती तो उसका सेपरेट पैन कार्ड होता है। सारे मुझे बोलो, क्या कोई पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड देना चाहोगे? सारे बोलो। देखो मैं नहीं दिखा रहा, सारे बोलो, सर हम देखना चाहेंगे। अरे सारे बोल ही नहीं रहे, सारे बोलो तो मैं दिखाऊं। सर दिखाओ। अरे बच्चे तुम कैसे, लो देखो बच्चे, तुम्हारी जिद के आगे मैं कह सकता हूं, देखो यार, तुमने बोला तभी मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। देखो बच्चे, पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट पैन कार्ड। ओ देखो मेरे बच्चे, देखो इस पार्टनरशिप फर्म के पैन कार्ड में कोई भी फोटो नहीं होती। हम इंसानों के पैन कार्ड में फोटो होती है। अपने पापा का पैन कार्ड देखो, उसमें देखो पापा की फोटो होगी। मम्मी के पैन कार्ड में मम्मी की फोटो होगी। गार्जियन के पैन कार्ड में गार्जियन की फोटो होगी। लेकिन मेरे दोस्त, पार्टनरशिप फर्म के पैन कार्ड में, अब ये थोड़ी ऑफिस की फोटो दिखाएंगे वहां पे, नहीं, पैन कार्ड में देखो कोई भी फोटो नहीं होती। यहां देखो, ये पार्टनरशिप फर्म का नाम आता है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, टेल सिम्फोनी,
टेल सिम्फोनी कोई होगी पार्टनरशिप फर्म, तो ऐसे ही पैन कार्ड है। मुझे बात बताओ, जब पार्टनरशिप फर्म का अपना सेपरेट पैन कार्ड है, पार्टनर्स का सेपरेट पैन कार्ड है, तो मेरे दोस्त ये दो अलग अलग बिजनेस नहीं हो गए, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हो गई। बेशक पार्टनरशिप फर्म जो है ना वो इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल है, लेकिन सेपरेट तो है, सेपरेट तो है। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म सेपरेट है, अकाउंटिंग के लिए सेपरेट है, बस अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। तुम्हें खास बात बताऊं, अच्छा पहले तुम्हें इंडिविजुअल का पैन कार्ड दिखाता हूं। देखो पार्टनर्स का पैन कार्ड, ये मेरे बच्चे पार्टनर का पैन कार्ड है, पता नहीं ये कौन है, आदित्य महेंदले। आदित्य महेंदले एक व्यक्ति है जिसका पैन कार्ड हमें गूगल पे मिल गया, तो अगर आदित्य महेंदले भी ये वीडियो देखते हैं तो भाई देखो आपका पैन कार्ड वर्ल्ड फेमस हो गया, आयकर विभाग का आपका पैन कार्ड। देखो भाई इनका पैन कार्ड मुझे मिला गूगल से, मैंने डाउनलोड कर लिया। अच्छा देखो, इंडिविजुअल का अलग पैन कार्ड होता है, पार्टनरशिप फर्म का अलग पैन कार्ड होता है। तो मैं खासियत बताऊं, कैसे तुम्हें पता लगेगा कि ये पैन कार्ड इंडिविजुअल का है, एक तो फोटो हो गई, पार्टनरशिप फॉर्म में फोटो नहीं होती। दूसरा देखो, ये जो पैन कार्ड का नंबर है ना, देखो BODP, अगर एक इंसान का पैन कार्ड है तो चौथा डिजिट हमेशा पी होता है, चौथा डिजिट। देखो यहां पे क्या है, BODP, अपने पापा का भी देख लेना चौथी डिजिट पी होगी, अपनी मम्मी का भी देख लेना चौथी डिजिट पी होगी, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में मेरे दोस्त पी नहीं होती, वहां F होता है। देखो AAGF, F मतलब फर्म, एफ मतलब फर्म। ऐसे ही सबके अलग अलग पैन कार्ड होते हैं। पार्टनरशिप फर्म के पैन कार्ड में क्या है, F, और इसका किस पैन कार्ड में क्या है, P। ऐसे ही बड़े सारे अलग अलग पैन कार्ड होते हैं, मंदिरों के भी पैन कार्ड होते हैं, गुरुद्वारों के भी पैन कार्ड होते हैं अलग अलग, HUF का भी पैन कार्ड होता है। हम लोग उस पर बातें नहीं कर रहे, जितना नॉलेज के लिए रेलिवेंट है अभी तुम्हें मैंने बताया। अच्छा तो मेरे दोस्त ये देखो, आपको एक बात पता है, अगर आपके पापा की पार्टनरशिप फर्म है तो पापा जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं ना मेरे दोस्त, उस प्रॉफिट के ऊपर पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स देना पड़ता है। ओ मेरे बच्चे, कई बच्चे मैं देखता हूं जो मेरी बातों को ना सिंसियरली नहीं लेते, वो कहते हैं सर ये आप आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हो। मेरे बच्चे, मैं आउट ऑफ सिलेबस चले जाता हूं कभी कभार, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जाता हूं। मेरा एक भी भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे से दोस्त मेरे जो पढ़ रहे हैं, मेरे पे भरोसा दिखा रहे हैं, एक भी बच्चे का करियर स्पॉइल हो। तुम्हारे को मैं पेपर के लिए नहीं ज्यादा पढ़ा रहा, मैं तुम्हारे को आगे आने वाली लड़ाई के लिए ज्यादा पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं मेरा एक एक बच्चा करोड़पति बने, अरबपति बने, तो दोस्त मुझे याद कर लेना। मैं चाहता हूं तुम आगे जाके हिम्मत वाले बनो, पर पेपर तो तुम पास करोगे ही और नंबर भी 95 से ऊपर लाओगे अगर मेरी बातें सुनोगे तो। तो मेरे दोस्त आपको पता है पार्टनरशिप फर्म को जो प्रॉफिट आता है, अच्छा पार्टनरशिप फर्म को कितना टैक्स भरना पड़ता है सर? बेटा वो टैक्स हमें जो पढ़ना पड़ता है वो 30% भरना पड़ता है। हम लोग अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में टैक्स वैक्स नहीं है, बस मैंने नॉलेज के लिए बताया आपको। आपको पता है कौन से प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरना पड़ता है? पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है ना, जो आपने 11वीं में पढ़ा था प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, वो जब पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाती है तो वो जो नेट प्रॉफिट आता है ना उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। हम अपने क्वेश्चन में बताए क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट आया सीधा पार्टनर में बांट दो, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे बच्चे उस प्रॉफिट में पहले टैक्स भरना पड़ता है, फिर जो प्रॉफिट बचता है उसको PNL अप्रोप्रिएशन में लेके जाते हैं। लेकिन हमारी क्लासों में हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट को ही, ये देखो कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूं। देखो देखो मेरे दोस्त, ध्यान से देखना मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले पार्टनरशिप में भी ना नॉर्मल जर्नल एंट्रियाज होती हैं, पार्टनरशिप में भी नॉर्मल लेजर्स बनते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप का भी ट्रायल होता है, इसके बाद पार्टनरशिप की भी क्या बनता है, ट्रेडिंग बनता है, पार्टनरशिप फर्म में भी क्या बनता है, प्रॉफिट और लॉस बनता है। अच्छा मेरे को प्रॉफिट और लॉस याद दिलाओ, मेरे सारे दोस्तों याद दिलाओ प्रॉफिट और लॉस,
ये देखो सर, प्रॉफिट और लॉस तो हमारे खूनों में था, याद करो सर, वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखा करते थे। ओ सर, सर याद आ रहा है, सर याद आ रहा है, टू एक्सपेंसेस सर, टू सैलरीज। ओ सर, अपना ही तो भाई था सर ये, और बताओ, और इलेक्ट्रिसिटी, अरे सर वो एडवर्टीजमेंट तो भूल गए, एडवर्टीजमेंट। इसके बाद मेरे बच्चे आता था नेट प्रॉफिट। अब हम इस प्रॉफिट का क्या करते थे, हमने जब 11वीं में पढ़ा था ना, तो वो केवल इंडिविजुअल के अकाउंट से, जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप की हम अकाउंटिंग करते थे, तो इस प्रॉफिट को सीधा कैपिटल में ले जाके ऐड कर देते थे। अब ओनर एक नहीं है, अब ओनर पार्टनरशिप बिजनेस की हम कर रहे हैं, तो इस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं, किसको कितना, किसको कितना। तो मेरे बच्चे, ये जो प्रॉफिट आता है ना, इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। ध्यान से मेरे बच्चे, तुम्हें आज एक राज की बात बताता हूं, तुम्हें टैक्स कम करने का तरीका बता रहा हूं, किसी को बताना मत, हम दोनों के बीच की बात है, कोई सुन लेगा, ध्यान से पास आके वीडियो को देखो, दीवारों के भी कान होते हैं। ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान से, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, टैक्स कम करवा दूंगा तुम्हारा। अगर मैं, मेरी बात समझो मेरे बच्चे, जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है पीएनएल के अंदर, इसमें से आप खर्चे माइनस करते हो, तभी तो आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। ये जो आपका प्रॉफिट आया, इसमें से आपने ये सारी चीजें माइनस करी, फिर जो बैलेंस आता था वही तो आपका प्रॉफिट होता था। हाँ सर। तो मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने खर्चे दिखा दूं, ज्यादा से ज्यादा अपने खर्चे दिखा दूं, तो क्या ये खर्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मेरा कम नहीं आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो मेरा टैक्स भी कम बनेगा, मेरा टैक्स भी कम बनेगा। अभी भी कई बच्चों को बात समझ नहीं है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, समझो मेरे दोस्त। मैंने कहा, अज्यूम करो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट तो सबको याद है ना, पीएनएल की क्रेडिट साइड आता था, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 10,000। 10,000 में से मैं एक्सपेंसेस माइनस करता हूं, मान लो सैलरी, अपना एडवर्टीजमेंट, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये सब 2,000, 200, 800, ये माइनस कर दिए मेरे बच्चे मैंने। ये माइनस करने के बाद जो आता था वो होता था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता था, 10,000 में से 2,000 माइनस कर दी, 8,000, और 1,000 मतलब 7,000। ये जो प्रॉफिट होता है ना, प्रैक्टिकली इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। हमारे सिलेबस में नहीं है टैक्स, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो सर आप हमें क्यों बेफालतू में फालतू का ज्ञान बांट रहे हो, जब हमारे को जितनी मुद्दे की बात है उतनी कर रहा हूं ना। मेरे बच्चे मेरी एक बात सुनो, आपको मैंने क्या पढ़ा रहा था, मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मेरे बच्चे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीन्स होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीन होता है ऐसे खर्चे, ऐसे खर्चे जो पार्टनरशिप फर्म अपने पी एंड एल अकाउंट में डेबिट कर सकती है। ओ माय गॉड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकती है। सर इसका क्या फायदा, मेरे बच्चे इसका फायदा ही फायदा है, जितने ज्यादा खर्चे होंगे पार्टनरशिप फर्म का उतना टैक्स कम बनेगा। तो बात समझो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म अपने पीएनएल में डेबिट कर सकती है खर्चे। मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से एकदम। आप पार्टनर्स को सैलरी देते हो, पार्टनर्स को कमीशन देते हो, आपको पता है ये पार्टनर्स को आप कमीशन देते हो जब आपका नेट प्रॉफिट निकल जाता है। जब आपका नेट प्रॉफिट निकल गया, इतने दिन से हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं, इसके बाद इस प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं।
इसी के लिए तो उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं आपको कहूं कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि पीएनएल अकाउंट में आते हैं ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो उन खर्चों को हम किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो पीएनएल अकाउंट में जाते हैं ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पहले बनता है पीएनएल, फिर बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जो खर्चे पीएनएल के अंदर जाते हैं उनको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो एप्रोप्रिएशन में जाते हैं उनको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी भी जो रटने वाले हैं उनको रटने का भी तरीका बताता हूं। कई नालायक हैं जिनको, जो मेरी मेहनत कभी वो करेंगे ही नहीं, तो वो रटने का तरीका, उनको रटने का तरीका बताता हूं। नालायक हैं वो बेटा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, सिंपल सीधी बात, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देना। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर डेबिट करना। यहां पे पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट होता है, यहां पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर डेबिट होता है। अच्छा सर, सर कुछ एग्जांपल बताओ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। आओ कुछ एग्जांपल देखें ध्यान से। मेरे बच्चे कभी कभार क्वेश्चन में आता है मैनेजर्स कमीशन। याद करो वो ग्यारहवीं की मैडम ने आपको बताया था मैनेजर कमीशन। मान लो क्वेश्चन में आया मैनेजर कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मेरे बच्चे आपको क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 1 लाख। मेरे बच्चे बताओ ये क्या एप्रोप्रिएशन में जाएगा? ये 1 लाख ऐसे लिखे क्या? ये मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बताया, सारे बताना क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। ये मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहां मैंने लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख, यहां मैंने लिख दिया टू मैनेजर्स कमीशन कितनी है 10% विच इज 10,000। इज आई एम डूइंग करेक्ट? द आंसर इज नो। ये जो मैनेजर कमीशन होता है ये पार्टनर्स को नहीं मिलता, तो ये खर्चा हम पीएनएल अकाउंट में डाल सकते हैं। ये मैनेजर कमीशन क्या होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब बच्चे कह रहे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज चार्ज होती है, कौन सी चीज एप्रोप्रिएशन होती है? हमारे सिलेबस में केवल 3 ही चीजें ऐसी हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछता है। अब वो तीनों चीजें अगर मैंने आपको बता दी, तीनों मैं बता दूंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के 3 पॉइंट हैं जो कि हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा। कौन कौन से सर? ध्यान से देखेंगे, आ जाओ। सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एक बार पढ़ लो, वीडियो पॉज करके पढ़ लो। कौन से खर्चे? मींस एक्सपेंसेस व्हिच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नॉट इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ जाओ, ये 4 खर्चे हैं मेरे भाई। मैनेजर कमीशन, मेरे दोस्त मैनेजर कमीशन अभी बताया, मैनेजर कमीशन कहां जाएगी? प्रॉफिट और लॉस में जाएगी कि एप्रोप्रिएशन में जाएगी? बोलो सारे बोलो। सर प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। हां सर जाएगी। रेंट पेड टू द पार्टनर पीएनएल अकाउंट में जाएगा। क्या होता है बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएनएल में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। ये 3 चीजें कहां जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं। कौन कौन सी? मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इनको याद रखने के लिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी MRP। M फॉर मैनेजर कमीशन, R फॉर रेंट पेड टू द पार्टनर, P फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैं बाकी के 2 पॉइंट समझाता हूं रेंट पेड टू द पार्टनर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। देखो मेरे दोस्त, देखो मेरे दोस्त, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मेरे दोस्त मतलब होता है जो ऐसे खर्चे जो कि पार्टनरशिप फर्म को करने ही करने हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट होता है चाहे नुकसान होता है, ये खर्चे तो पार्टनरशिप फर्म को करने ही करने हैं, वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे कि बिजली का बिल। क्या बिजली का बिल मेरे दोस्तों, क्या घर ऑफिस में बिजली का बिल आया 2,000, क्या BSES वालों को मना कर दें कि इस बार सर हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, इस बार रहने दो, अगले साल अगले बार बिजली का बिल ले लेना? अरे बिजली काट देंगे मेरे भाई।
अच्छा, और भी हमारी ट्यूशन सेंटर में कई की फैकल्टीज हैं जो कि फीस लेती हैं, बेशक ट्यूशन में बच्चे ना आए, मैं उनको कह दूं क्या, अरे इस बार फीस मत लेना अगली बार लेना? अरे नहीं, देनी पड़ती है, बीवियां लड़ने आ जाएंगी उनकी मेरे से, कहेंगी सर आपने फीस नहीं दी, मेरे घुंघरू नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा। तो कुछ खर्चे पक्के होते हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म को करने पड़ते हैं, वही होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये पीएनएल अकाउंट में जाते हैं ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। और कुछ होते हैं अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये खर्चे तब होते हैं जब प्रॉफिट होता है। अब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा तभी तो पार्टनर को सैलरी मिलेगी ना, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा तभी तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा तभी तो कमीशन मिलती है। तो ये सारी चीजें अप्रोप्रिएशन होती हैं, डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट, और एक्सपेंस विच इज नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, एक पार्टनर है ए, इसी के साथ इसका दूसरा पार्टनर है बी, और यही एक तीसरा पार्टनर है सी। पार्टनर ये तीनों ने मिलकर बिजनेस करना शुरू किया, इसने 1,00,000 रुपए लगाए, इसने 1,00,000 रुपए लगाए, इसने 1,00,000 रुपए लगाए कैपिटल। अब क्या होगा ना, ये लोग एक जगह ढूंढ रहे हैं, जब ये लोग एक जगह ढूंढेंगे बिजनेस करने के लिए, तो इस 3,00,000 रुपए, ये जो पार्टनरशिप फर्म के पास 3,00,000 रुपए हैं, इसी में से ही रेंट पे करना पड़ेगा। हाँ सर, इसी में से ही रेंट पे करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, जब भी क्या होता है ना, कभी कभार कोई पार्टनर कह देता है भाई मेरी ना जमीन खाली है, मेरी जमीन पे बिजनेस कर लो, लेकिन मेरी जमीन को पार्टनरशिप फर्म को रेंट पे करना पड़ेगा, ये मेरी कमाई नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म रेंट पे करेगी, मेरी पर्सनल कमाई है, ये पार्टनरशिप फर्म की मेरी कमाई नहीं है, ये मेरी पर्सनल कमाई है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म पेड रेंट टू अ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म कोई रेंट पे करती है किसी भी पार्टनर को, तो ये रेंट तो उसको पे करना ही करना पड़ेगा। मतलब ए बी सी में जो वो आया, उसको रेंट तो पे करना ही करना पड़ेगा, बेशक प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा वो अप्रोप्रिएशन की बातें हैं, अगर रेंट है रेंट तो पे करना ही करना पड़ता है मेरे दोस्त, ठीक है। और एक पॉइंट और जो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दोस्त देखो क्या होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सिमिलरली मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। कभी कभार मेरे दोस्त क्या होता है ना, पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पार्टनर कहता है कि मैं लोन दे देता हूं बिजनेस को, कैपिटल नहीं दे रहा, पैसे दे रहा है एज अ लोन। तो पता है, ये जब लोन देता है बिजनेस को, तो बिजनेस को इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। सर ऐसा क्यों? कल को मान लो ए लोन ना देता, तो इसके बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को लोन लेना पड़ता। लोन कहाँ से लेते? बैंक से लेते। तो बैंक वाले भी तो इंटरेस्ट लेते, बैंक वालों को भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता। तो इसलिए पार्टनर कहता है मेरे पास एक्सेस पैसा पड़ा है, मैं ही दे देता हूं, मुझे ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो बात क्लियर हो रही है? तो फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। पता है इस मामले में बड़ी लड़ाइयां होती हैं, पार्टनर कहते हैं नहीं नहीं हम इतना इंटरेस्ट देंगे। तो पता है, इसलिए सबसे जरूरी है कि आप डीड में लिखवा लो कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा सर, मान लो कि डीड ही नहीं है, तो अब बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो सारे मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, अगर डीड साइलेंट होती है, तो पार्टनर को हमारे एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। सारे मेरे बच्चे ध्यान से, 6% पर एनम, ये आपको इंटरेस्ट देना जरूरी है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना जरूरी है। कितना? 6% पर एनम। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको क्या बातें बताई? आई, मेरे को पता है थोड़ा लास्ट का मैंने समझ आपको थोड़ा सा कम आया हो, क्योंकि मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन पे नहीं आया। जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन जरूर करा रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को देखिए फॉलो वीडियो में, और तभी आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बस मैंने आपको क्या बताया, यहां पर एक बात याद रखना,
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जो खर्चे पार्टनरशिप फर्म अपने पीएनएल में डेबिट कर सकती है। और पीएनएल में डेबिट करने का फायदा पता है क्या है? टैक्स कम बनता है। तो कौन कौन से खर्चे? रेंट पेड टू द पार्टनर, एमआरपी याद करो, एम फॉर मैनेजर्स कमीशन, और थर्ड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही है, इसलिए हम क्वेश्चन जो करेंगे अगली वीडियो में करते हैं। तो मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में। भूत बंगले को सब्सक्राइब करिए।